वेलकम दोस्तों, आज हम देखेंगे सॉर्टिंग। ठीक है, तो सॉर्टिंग में एक्चुअल होता क्या है और सॉर्टिंग भी कौन सी देखनी है हमको। सॉर्टिंग यूजिंग द डेस्टिनेशन फील्ड, तो हम क्या करेंगे, एक डेस्टिनेशन दिखाएंगे जो भी तीन डेस्टिनेशन होगी और उसके हिसाब से जो भी मटेरियल आउटपुट में जाएगा वो हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि सपोज मटेरियल वन केस वन के हिसाब से, मटेरियल केस टू, मटेरियल जो भी थर्ड नंबर का हो, केस थ्री फोर फाइव, जो जितने भी आपको चाहिए। तो क्या होता है कि हम जब भी जितने भी अभी अब तक हमने क्या देखा, जितने भी हम मटेरियल करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो सेम ही होते हैं। अगर मान लेते हैं कि सेपरेटर के बाद में अगर मटेरियल का कुछ उसका जो भी प्रॉपर्टीज होगा चेंज होगा, या उसका कोई भी कलर कॉम्बिनेशन जो भी होगा वो चेंज होगा, तो हम कैसे उसको सॉर्ट कर सकते हैं बाय कन्वेयर बेल्ट के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर टॉप व्यू चेंज कर लेता हूँ। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक सोर्स दे देता हूँ। मान लेते कि एक सोर्स है, ठीक है, यहाँ से सोर्स है। फिर यहाँ से सोर्स लेने के बाद में अब मैं जाऊँगा कन्वेयर पे। तो मान लेता कि सोर्स के बाद में कॉमन कन्वेयर है, तो मैं स्ट्रेट कन्वेयर यूज़ करूँगा, स्ट्रेट कन्वेयर। ठीक है, स्ट्रेट कन्वेयर ले लिया मैंने। वापस एक स्ट्रेट कन्वेयर यहाँ से, एक यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, कन्वर्ट हो गए तीनों। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ड्रैग करो, इस पर रख दो। देखो यहाँ पे ये दो वर्टिकल लाइन्स आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये कन्वर्ट यहाँ पे जॉइंट हो गए। सिमिलरली हम सेम प्रोसेस करेंगे इसके लिए। देखो यहाँ पे भी कनेक्शन हो गए और इसको हम करेंगे जॉइंट। तो हम जाएंगे जॉइंट कन्वेयर, क्लिक करो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया, इसका डायरेक्शन देख लो। तो कन्वेयर जॉइंट कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए सेम लेंथ दे देंगे। यहाँ पे मैं 15 की लेंथ देता हूँ, सेम यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे भी 15 की लेंथ। ठीक है, ये 15 मतलब थोड़ा कम कर लेता हूँ मैं, सॉरी, क्योंकि ये ठीक है यहाँ तक। अब ये हो गया सोर्स यहाँ पे, यहाँ से कुछ मटर लेंगे नंबर ऑफ रैंडम पार्ट और वो रैंडम पार्ट हमको करने हैं सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग के लिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, कलेक्शन के लिए पार्ट यहाँ पे कलेक्ट हो गए, सिंक वन सिंक थ्री। ठीक है, ये तीन सिंक यहाँ पे मैंने लगा दिए। अब हम करेंगे कनेक्शन, पहले जाएंगे ए पे, यहाँ पे ए पे क्लिक करो, पार्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट कनेक्शन। तो सोर्स से लेके पहले कन्वेयर तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, हो गया कनेक्शन, तो हो गया अभी। अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं हम, सोर्स को डबल क्लिक करो, फिर यहाँ पे जाओ। ये टाइम में देता हूँ, मान लेते कि ये 5 मिनट का है इंटरवल टाइम। और यहाँ पे मैं बॉक्स ही रखता हूँ, फ्लो में कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रिगर पे जाऊँगा मैं, तो ट्रिगर पे जाने के बाद में यहाँ पे मैं करूँगा एड न्यू ट्रिगर ऑन क्रिएशन। ऑन क्रिएशन पे वापस एक बार ये ग्रीन कलर का जो प्लस है वहाँ पे साइन, यहाँ जो साइन है वहाँ पे क्लिक करो। फिर जाओ यहाँ पे डेटा टाइप में, डेटा टाइप में जाने के बाद में यहाँ पे करो सेट आइटम टाइप एंड कलर। जैसे मैंने कलर किया, यहाँ पे देखो तीन कलर आए, 1 2 3 से लेके, सॉरी 1 से लेके 3 तक। तो यहाँ पे तीन कलर कॉम्बिनेशन आएंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे आपको चाहिए 1 2 3 और 5 भी कन्वर्ट चाहिए तो 1 to 5 करो, या आपको 2 से लेके 5 तक जाने तो वैसे करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये कलर कॉम्बिनेशन दिया है, अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा। ठीक है, अब मैं जाऊँगा रिसेट पे, यहाँ पे रन करूँगा 8 घंटे के हिसाब से। तो 8 घंटे के हिसाब से मिनट में होंगे 480 मिनट, ये हो गया। फिर रन करूँगा, थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, ये देखो ये पार्ट डायरेक्टली सिंक वन को छोड़ के, टू को भी छोड़ के डायरेक्टली जा रहा है आपका लास्ट में। तो ये रेड कलर का पार्ट है, मान लेते कि ये
ओके वेट करते दूसरा पार्ट। ठीक है। इसका स्पीड ज़्यादा है, ये देखो ग्रीन कलर का पार्ट भी लास्ट कन्वेयर पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे आपका जो भी आपने सॉर्टिंग के लिए अप्लाई किया वो सॉर्टिंग हुआ नहीं है। तो हमने सॉर्टिंग की कमांड ही अप्लाई नहीं की, तो हम यहाँ पे जाएंगे, देखो ये रेड कलर का पार्ट यहाँ पे जा रहा है, ये सिमिलर ग्रीन का, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे रेड होगा तो यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए और यहाँ पे ब्लू होना चाहिए, या यहाँ पे ब्लू तो यहाँ पे रेड, तो मुझे हर एक केस के हिसाब से मुझे सॉर्टिंग चाहिए। तो मैं रिसेट करूँगा, पहले इसका स्पीड देख लेते हैं, हम यहाँ पे जाऊँगा स्पीड 60 मिनट का, यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ 1 का, देखो ये सब पार्ट यहाँ पे यहीं पे जा रहे हैं। मुझे क्या करना है, ये तीन पार्ट जो है तीन कलर के, मुझे हर एक इसमें सेपरेट करने, तो मैं सॉर्टिंग के लिए जाऊँगा, पहले थोड़ा सेंटर में लेता हूँ, यहाँ पे जाओ, कहाँ पे, यहाँ पे लाइब्रेरी में जाने के बाद में कन्वेयर में जाओ, कन्वेयर में जाने के यहाँ पे देखो डिसीजन पॉइंट है, इसको क्लिक करो, एक डिसीजन पॉइंट यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे दो हो गए, वापिस जाता हूँ मैं, और एक यहाँ पे होगा और तीसरा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीन डिसीजन पॉइंट दिए, चार टोटल, ये तीन है, एक दो और ये तीन, तो यहाँ पे टोटल मैंने चार डिसीजन पॉइंट दिए, एक मेन कन्वेयर के लिए और तीन जो है आपके सॉर्टिंग के लिए। तो करना क्या है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे जाने के बाद में आपको इस डिसीजन पॉइंट पे डबल क्लिक करना है, देख लो आप एक बार, ठीक है, डिसीजन पॉइंट पे जाओ, यहाँ पे देखो ये वाला, तो इस पर आप डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जाने के बाद में आपका जो भी डिसीजन पॉइंट प्रॉपर्टीज होगा वो कस्टम रखो, फिर जाओ आप ट्रिगर पे, यहाँ पे जाने के बाद में ऑन अराइवल पे, फिर ऑन अराइवल पे जाने के बाद में जाइए आप यहाँ पे प्लस का जो सिंबल है ऐड एडिट पे, उस पर जाओ, फिर यहाँ से क्लिक करेंगे हम जाएंगे सेट आइटम बाय केस, ये वाले गए, फिर यहाँ पे जाने की यहाँ देखो सेटअप केसेस में आपका एक वापस और एक प्लस का साइन है, यहाँ पे आप ऐड करो केसेस, तो इसको मैं क्लिक करूँगा, केस ऐड होती जा रही है, सिमिलरली वापस एक बार, कितने मेरे पास पार्ट है, केस 1, 2 और 3, आपके पास अगर 5 पार्ट होते हैं तो आप 5 के हिसाब से करो, मेरे पास 3 ही है तो मैं 3 ही करूँगा, क्लिक करो और अप्लाई करो और ओके करो, हो गया। अब हमें कनेक्शन करना होगा, तो हम जाएंगे कनेक्शन पे ए पे क्लिक करो, इसको प्रेस करके यहाँ पे सेट करो, फिर ए प्रेस करो, फिर यहाँ से लेके तीसरे वाले कंट्रोल पॉइंट पे जाओ, फिर ए प्रेस करो, फिर पहले से लेके चौथे वाले पे, अब चौथा वाला क्यों, क्योंकि 1, 2, 3 और 4, ओके एक बार देख लो, डबल क्लिक करो, जनरल पे जाओ और यहाँ पे आपके आउटपुट पुट डीपी, मतलब ये आपका होगा डिसीजन पॉइंट 2, 3 और 4, तो 1 कौन सा है आपका, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जनरल पे जाओ, DP1 मतलब ये आपका होगा कनेक्शन पॉइंट इनपुट का, ठीक है ओके। अब हमारी प्रोसेस हो चुकी है, हम जाएंगे रन पे, देखो यहाँ पे देखो, अभी थोड़ा स्पीड कम कर लेता हूँ, देखो ये आपके सॉर्टिंग हो रहे हैं, ब्लू पार्ट आपका थर्ड नंबर पे जा रहा है, ग्रीन पार्ट आपका सेकंड नंबर पे जा रहा है और रेड पार्ट आपका फर्स्ट नंबर पे जा रहा है, तो यही आपको चेक करना है। तो हम देखेंगे कि 480 मिनट के बाद में, 8 घंटे के बाद में टोटल आपके पार्ट कितने हैं, ठीक है, तो हम चेक करेंगे स्टैटिस्टिक, देखो यहाँ से 96 पार्ट निकले थे, यहाँ पे 30 पार्ट गए, यहाँ पे 31, यहाँ पे 31, तो टोटल पार्ट कितने हुए, 92, 93, 4, 5 और 6, ठीक है।
यही आपका सॉर्टिंग। थैंक यू।